निर्भया केस में एक और नया ट्विस्ट आ गया। 1 फरवरी को होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग के लिए दोषियों के वकील ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं आपको बता दें, निर्भया केस में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के वकील ने 1 फरवरी को तय फांसी पर स्थगन की मांग के साथ दिल्ली की अदालत का रुख किया है। वकील एपी सिंह ने अपनी दया याचिका में दावा किया है, दिल्ली जेल नियम के अनुसार एक ही अपराध के 4 दोषियों में से किसी को भी तब तक फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता जब तक कि अंतिम दोषी दया याचिका सहित सभी कानूनी विकल्प नहीं आजमा लेता। आपको बता दें, निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सजा पाए एक अन्य दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की है। वहीं एक अन्य दोषी अक्षय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्यूरेटिव पिटीशन दायर की, जिस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका 17 जनवरी को खारिज कर दी थी। इस फैसले की न्यायिक समीक्षा को लेकर लगाई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ठुकरा चुका है। अब मुकेश के पास फांसी से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, यानी मुकेश के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं। वहीं दोषी पवन गुप्ता के पास अभी दोनों विकल्प क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका बचे हैं। अक्षय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया है और उनके पास दया याचिका का भी विकल्प बचा है। वहीं दोषी विनय शर्मा की क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है, हालांकि उसने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी। वहीं जिन दोषियों के पास कानूनी विकल्प हैं, वे तिहाड़ जेल द्वारा दिए गए नोटिस पीरियड के दौरान इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली प्रिजन मैनुअल के मुताबिक अगर किसी मामले में एक से ज्यादा दोषियों को फांसी दी जानी है तो किसी एक की याचिका लंबित रहने तक सभी की फांसी पर कानूनन रोक लगी रहेगी। ऐसे में कहा जा सकता है 1 फरवरी को फांसी फिर टल सकती है। अब इस पर देखना होगा कोर्ट और राष्ट्रपति क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस यूपी।